6 दिसंबर की ये तारीख जब भी सामने आती है अयोध्या की रूह कांप उठती है। 1992 का वो दिन जब बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी, उस दिन की तस्वीरें देश की जेहन में कौदने लगती है। आज फिर से 6 दिसंबर की वो तारीख आई तो अयोध्या का वो मंजर याद आया। अयोध्या छावनी में तब्दील हो चुका है, पूरा शहर PSC RAF के हवाले है। 6 कंपनी PSC, 2 कंपनी RAF, 4 ASP की तैनाती है ताकि सुरक्षा को लेकर कोई चूक न रह जाए। अयोध्या के प्रवेश द्वार पर ही बैरिकेडिंग लगा दी गई है। जिले में धारा 144 लागू हो गई है। नहीं, 6 दिसंबर को लेकर के अभी आयुक्त महोदय, DIG महोदय, SSP साहब और जिलाधिकारी महोदय के साथ कई बार बैठक हो चुकी है और हमको DIG साहब ने अपने रेंज के जिलों से और DG कार्यालय से, DIG LO साहब के तरफ से पर्याप्त फोर्स मिली हुई है और किसी को भी, क्योंकि धारा 144 जनपद फैजाबाद अयोध्या, जनपद अयोध्या फैजाबाद में लागू है, तो किसी को भी बिना पूर्वानुमति प्राप्त किए गैर परंपरागत काम करने नहीं दिया जाएगा, चाहे कोई भी हो, किसी भी संगठन दल से संबंधित हो। इस अयोध्या का आज आप दो चेहरा साफ साफ देख सकते हैं। बाबरी मस्जिद का निशान खत्म हो गया लेकिन मजहबी जख्म के निशान नहीं भर पाए हैं। BJP अयोध्या के कार सेवक भवन में शौर्य दिवस मना रही है। उधर अयोध्या के मुसलमान आज मातम मना रहे हैं। इकबाल अंसारी के घर मुसलमानों का काला दिवस चल रहा है। अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं, इतिहास का दस्तावेज है। किसी मुल्क को कैसे मजहब लहूलुहान कर देता है, इसकी मिसाल ढूंढना हो तो अयोध्या के पन्ने पलट लीजिए। ये आज की ये तस्वीरें देख लीजिए।